बॉलीवुड एक्ट्रेस व सांसद जयाप्रदा को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोर्ट ने जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है। बताना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रही जयाप्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिसके चलते इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जयाप्रदा को लेकर आने वाले समय में मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जयाप्रदा के इन मामलों की सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जयाप्रदा कई समन जारी होने के बावजूद भी पिछली कई सारी तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई है। इसके अलावा जयाप्रदा के खिलाफ वारंट और गैर जमानती वारंट भी जारी हुई, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब कोर्ट ने जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है और इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जयाप्रदा को लेकर और भी मुसीबतें पड़ सकती हैं। पूरे अगर घटना का जिक्र करें तो एमपी एएमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने जयाप्रदा को फरार घोषित करने से पहले रामपुर के एसपी को कई बार पत्र लिखकर पेश करने के आदेश दिए, लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुई थी। कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी को अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को कोर्ट में पेश करने की हिदायत दी है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि जयाप्रदा को लेकर अब मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल 2019 के एक मामले को लेकर उनकी मुसीबत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके साथ ही अगर पूरे मामले की तरफ नजर डालें तो रामपुर के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने इस बारे में बताया कि कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया, उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। एसपी को पत्र लिखकर एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर जयाप्रदा को गिरफ्तार कर 6 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। होता यूं है कि 2019 में जयाप्रदा के खिलाफ कैमरी व स्वार थाने में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे, जिसके चलते अब उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं।